देखिए बनपुलपुरा में जो कर्फ्यू है वो अभी लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो हल्द्वानी शहर का बाकी हिस्सा है उसमें स्थिति सामान्य है। और बनपुलपुरा में भी धीरे धीरे जो है हमारे द्वारा जो वहाँ की पब्लिक है उसको एसेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई वो की जा रही है। इसमें हम समयानुसार निर्णय लेंगे कि कब उसमें ढील देना है, लेकिन इसके साथ ही उन घरों की कुछ तलाशी के लिए और जिलाधिकारी के आदेश पर कुछ जो लाइसेंसी वेपन है उनको कब्जे में लेने का कार्य किया जा रहा है। और जो कुछ सस्पेक्ट लोग हैं और जो कुछ नामजद लोग हैं जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया। देखिए अब ये इन्वेस्टिगेशन में और सीसीटीवी एनालिसिस के बाद पता लगेगा कि पुलिस पार्टी पर जो हमला हो रहा था वो लाइसेंसी हथियारों से किया गया या जो इलीगल वेपनों से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि जिस जमीन को और जिस क्षेत्र को पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है उस क्षेत्र में वहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए और हल्द्वानी शहर की ज़रूरत को देखते हुए वहाँ पर एक थाना खोलने की घोषणा उनके द्वारा की गई है। तो तत्काल हम वहाँ पर जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और जब तक शासन से इसका अधिसूचना आती है या बाकी चीज़ें होती है तब तक हम टेम्प्रेरी तौर पर वहाँ पर एक देख रेख चौकी चलते हैं। देखिए जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद में सारी चीज़ों पर हम काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो गंभीर अपराधों में हैं या इस तरीके के अपराध कारित करने में जिनका इतिहास रहा है उनके बारे में भी हम जांच कर रहे हैं और अगर उनके संलिप्तता मिलती है तो उनको भी भेज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।